टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग जानते हो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है रूप परिवर्तन, राइट? किसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से लिख दें बट मीनिंग शुड बी सेम, मीनिंग एक जैसा रहना चाहिए, राइट? जैसे हाई स्कूल तक जो आप बनाते हैं कि आपने अफर्मेटिव है कि उसने खाना खाया, एनीबडी सेइंग नेगेटिव बनाओ तो आप क्या बोल देते हो? उसने खाना नहीं खाया। अब इंटर में, इंटरमीडिएट में एक पार्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, या कंपटीशन में भी आते हैं ये सभी कंपटीशन में, ऑल द कंपटीशंस, राइट? तो इसमें भी आपको क्या है कि काम वही कहना है, खाना नहीं खाया, और निगेटिव भी बन जाए, राइट? जैसे मान लो मैं आपको एक आध चीज़ बताता हूँ, फिर इसके रूल लिखवाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। जैसे मान लो ये कहा मैंने कि आई सॉ द ताज, मैंने ताज देखा, और इस सेंटेंस को निगेटिव बना दो और मीनिंग यही रहे कि मैंने ताजमहल देखा। है कोई तरीका आपके पास बनाने का? क्यों भाई? कैन नॉट कैसे लगा दोगे इसमें? तो यहां पे क्या है कि ये चीज देखी जाती है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हम इसको इस तरीके से कर देते हैं कि सबसे पहले तो आप लगाएंगे डिड नॉट, फेल टू सी द ताज, और ये आई। इसका मतलब क्या हुआ कि आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? सफल हुआ। अगर मैंने कहा आई सॉ द ताज और फिर मैं कह रहा हूं आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, यानी डबल नेगेटिव कर दिया। एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव ये है, और दो नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं? तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो भाई, दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव बनाते, समझ आ गया? इस तरीके से हमें इसका रूप परिवर्तन करना है, राइट? तो पहले हम आपको कराते हैं कि अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव दिया हुआ है तो आप उसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, राइट? तो पहले तो रूल डाल लीजिए, वे रूल लिखिए। ठीक है ना? अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, अफर्मेटिव और इनटू नेगेटिव। अफर्मेटिव से हमें नेगेटिव बनाना है, राइट? तो सबसे पहला रूल डाल लीजिए कि नॉट लगाना है, हाँ, नॉट लगाना है। दूसरा डाल लीजिए अलोन, और ओनली दिया है तो नेगेटिव में नन वट से शुरू करते हैं। ठीक है ना? समझ लीजिए, जैसे अलोन ओनली दिया है तो नेगेटिव में नन वट से शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले हम नन वट लाते हैं। वो आपको अभी हम एग्जांपल बताएंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? अगला है Right?
अफर्मेटिव में एडजेक्टिव वर्ड दिया है तो निगेटिव में, तो निगेटिव में क्या करते हैं, नॉट लगाकर नॉट लगाकर उसका राइट अपोजिट वर्ड जिट वर्ड लिख देते हैं देते हैं। समझ आ गया कि अफर्मेटिव में एडजेक्टिव वर्ड दिया है तो निगेटिव में नॉट लगाकर उसका अपोजिट वर्ड लिख देते हैं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है द नाइफ इज ब्लंट, तो द नाइफ इज ब्लंट, तो ब्लंट के पहले क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे और उसका उल्टा लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, द नाइफ इज ब्लंट का उल्टा क्या होता है, नॉट शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज। समझ में आ गया, बात वही है कि चाकू मुथरा है और अब ये है कि चाकू तेज नहीं है। कट इट। अगला एक और लिखिए, यदि अफर्मेटिव में यदि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म दी है तो निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव में डिड नॉट फेल फेल टू का प्रयोग करते हैं। समझ आ गया, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। राइट नंबर आपका है पांचवा नंबर है ना। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अफर्मेटिव में, राइट, यदि अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट है तो निगेटिव में डज नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। राइट अगर अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो नेगेटिव में डज नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं। ओके अगला है सिक्स नंबर, एज सून एज दिया है और यहां पे कॉमा दिया होगा, ठीक है ना,
तो इसमें क्या करते हैं, इसके स्थान पे तो हम कर देते हैं नो सूनर, नो सूनर, और कॉमा के स्थान पे कर देते हैं देन। समझ में आ गया नहीं, राइट? और बीच में जो सेंटेंस और होते हैं वो आप उसमें दिया होता है उसी के हिसाब से उसको आप रखेंगे, लेकिन ये दो चीजें आपको बदलनी होती है। क्लियर? अगला है ऑलवेज के स्थान पर, अगर ऑलवेज दिया हुआ है तो ऑलवेज के स्थान पर आप क्या रखेंगे, नेवर। नेवर, समझ में आया भी नहीं? अब एक इस सब के अलावा एक ये होता है कि जैसा सेंस हो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस, बट नेगेटिव होना चाहिए। एक और लगा लो आप, एक होता है रिमूव टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, रिमूव टू। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी एक बताया था रिमूव टू, अगर आपने देखा हो वाला, ठीक है ना। अगर रिमूव टू का रूल आता है तो भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैं एक आपको बनवा दे रहा हूँ, रिमूव टू का मतलब है टू को हटाना। जैसे आपने लिखा ही इज टू वीक, टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, तो ही इज टू वीक टू वॉक। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे संजय, बताओ। पहले तो ये है टू के स्थान पे सो लगा देते हैं और इस टू के स्थान पे दैट लगा देते हैं, राइट? और बाकी ये इज ऐसी रहेगा और ही ऐसी रहेगा और वीक ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे इसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, जो ये सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले आओ, और यहाँ पे अगर एजआरएम लिखा होता है, अगर एजआरएम लिखा होता है तो हम लिखते हैं कैन नॉट, राइट? जैसे कैन नॉट, और ये वॉक बाद में आ जाएगा, तो ये भी निगेटिव बन गया, नहीं बन गया? यानी पहले वाले का भी मीनिंग ये है ही इज टू वीक टू वॉक, टू का मतलब होता है इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए, राइट? इतना जितना नहीं होना चाहिए, राइट? जितना नहीं होना चाहिए, तो यहीं पे हमने लिख दिया कि ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। निगेटिव आ गया, तो वो भी इसी का पार्ट है। और एक क्या होता है, डिग्री में भी यही होता है, अगर डिग्री का रूल आपको आता है तो भी आप निगेटिव कर सकते हैं। जैसे सीता इज बेटर देन शीला। अब ये है सीता इज बेटर देन शीला, इसका मतलब है सीता जो है वो शीला से बेटर है, राइट? अब अगर हमें इसका निगेटिव करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको पहले उठा लाएंगे, राइट? यानी शीला इज, अभी ये अभी डिग्री क्या है, ये कंपेरेटिव है ये, और अब पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि जिसमें दो की तुलना होती है उसमें सुपरलेटिव बनती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, शीला इज, फिर क्या लगाएंगे, शीला इज एज, राइट? शीला इज एज गुड एज सीता। तो क्या सेंटेंस ये सही है?
अभी आपने लिखा कि सीता इज बेटर देन शीला, यानी सीता जो है वो शीला से बेटर है, और यहाँ पे क्या हो गया, शीला इज एज गुड एज सीता, शीला उतनी अच्छी है इतनी सीता, तो गलत हो गया ये। इसका मतलब हमें यहाँ पे नॉट लगाना है, शीला इज नॉट। अब जब नॉट आ जाएगा तो यहाँ पे सो लगा दो, सो शीला इज नॉट सो गुड एज सीता, बन गया। अब ये है कि शीला जो है वो सीता से बेटर नहीं है, अच्छी नहीं है, इसका मतलब है शीला वो सीता ज़्यादा अच्छी है। समझ में आ गया, इतने रूल आपके हो गए, ये किसके राइट अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के हैं। ये क्या लिखा है, अफर्मेटिव इनटू निगेटिव राइट। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए आप, ठीक है ना, लो संजय जरा इसमें से बोलना कोई भी सेंटेंस, बोलिए क्या सेंटेंस है। He is always careful. अब ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि he is always careful, वो हमेशा केयरफुल है राइट। तो हमें क्या करना है, ये एडजेक्टिव है ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था कि जहां पे अगर ऑलवेज लिखा हुआ है तो वहां क्या कर देंगे, वहां पे कर देंगे नेवर। तो ये ऐसे हो जाएगा ही इज नेवर, और इसका उल्टा क्या होगा, केयरफुल का उल्टा होता है केयरलेस राइट। हो गया आपका निगेटिव। ये इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में केवल शब्द बदले हैं, मीनिंग बिल्कुल नहीं बदला है, द मीनिंग इज सेम, मीनिंग वैसा ही है जैसा ऊपर वाले का था। दूसरा बोलिए बॉय क्या है, राइट right, तो देखिए ही इज अ गुड प्लेयर ठीक है। वर्षा भाई देख समझते रहना भाई, ओके ध्यान से। अब ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ही इज अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। अब हमें क्या बोलना है कि मीनिंग यही रहे, क्या बोलेंगे डॉल बताओ, बताओ संजय क्या बोलेंगे। तो आप इतना बोलेंगे कि वह बुरा खिलाड़ी नहीं है राइट right? तो क्या लिखेंगे, ही इज, और मैंने कहा नॉट तो लगाना ही लगाना है सभी में, ही इज नॉट अ, इसकी जगह क्या लिखना है, इसका उल्टा लिखना है, बैड प्लेयर। बैड प्लेयर गॉट इट। अब ऐसा बोलिए कोई इसमें सेकेंड फॉर्म दी हो, हाँ एक ये देख लीजिए, द पुअर अलोन, क्या है रिजर्व, हाँ द पुअर अलोन डिजर्व, डी ई एस ई आर वी, डिजर्व द डिजर्व हेल्प ठीक है ना। अब ये लिखा है कि द पुअर, द पुअर जब लगा देते हैं यानी किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर आप द लगा देते हैं तो वो पूरी दुनिया को रेफर करता है, तो पूरी दुनिया के गरीबों को मदद की ज़रूरत है। ओनली अलोन का मतलब है केवल राइट। तो अब यहाँ पे सेंटेंस मैंने क्या बताया था, जिसमें अलोन या ओनली लगा हो उसमें क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं नन बट। अब जब नन बट लग गया तो ये वाली चीज खत्म हो गई राइट, नन बट द पुअर। द पुअर डिजर्व, बताओ भाई कोई डाउट, डू यू हैव एनी डाउट, समझ में आ गया।
अब एक और बोलिए जिसमें एज सुन एज लिखा हो, वो वाला आपको बताता हूँ क्या है, बताइए। एज सुन एज द बेल रैंग, एज सुन एज द बेल रैंग, एज सुन एज द बेल रैंग कॉमा द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, The students went went into the classrooms. समझ आ गया भाई? पहली चीज तो मैंने बताया था कि as soon as जहां लिखा हो वहां पे क्या बताया था मैंने, as soon as के स्थान पे मैंने बताया था no sooner. एक चीज क्लियर हुई, नो सूनर। अब यहाँ पे दो तरीके से हम इस चीज़ को बना सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे डिड लगा दें और या फिर हैड लगा दें। हाँ राइट, नो सूनर अगर आप यहाँ पे हैड लगाते हैं राइट तो द बेल और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉरी वेल रंग आर यू एन जी रंग, No sooner had the bell rung, और कॉमा के स्थान में मैंने क्या बताया था, then, clear? और बाकी क्या लिख जाएगा, the students went went into the classrooms, clear? और अगर यहां पे हम did लगाते हैं, जैसे अगर हम यहां पे did लगाते तो हम यहां पे verb की first form लिख देते फिर, ठीक है ना, ring, क्योंकि did के साथ में first form आती है, had के साथ में third form आती है, वही रूल लगेगा। समझ आएगा? अब एक ऐसा बोलिए जिसमें सेकंड फॉर्म दी हो या फिर फर्स्ट फॉर्म दी हो। as soon as possible. नहीं, as soon as वाला नहीं, दूसरा बोलिए कोई जिसमें फर्स्ट फॉर्म दी हो या फिर सेकंड फॉर्म दी हो सेंटेंस में। नहीं, ओनली वाला मत बोलिए, ओनली वाला तो बता दिया मैंने रूल आपको। देखिए मैं बताता हूं आपको राइट, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। अब अगर हमें इसे निगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे, तो पेरेंट्स पेरेंट्स डू नॉट फेल, ये फर्स्ट फॉर्म है, मैंने रूल क्या लिखवाया था, डू नॉट या डज नॉट, अब पेरेंट्स यहां पे प्लूरल है इसलिए हमने क्या लगा दिया, डू नॉट फेल टू लव देयर चिल्ड्रन, क्लियर? पेरेंट्स डू नॉट फेल टू लव their children, note down this, कर लिया नोट? एक और है, जैसे मान लीजिए अगर कभी ये आ जाए speak the truth, speak the truth, तो इसका negative कैसे बनाएंगे,
बोल सकते हो? तो यहाँ पे हम क्या है, पहली चीज तो जब भी हम इम्परेटिव का नेगेटिव बनाते हैं डोंट का प्रयोग करते हैं, राइट? तो डोंट डोंट फेल टू स्पीक द ट्रुथ. अभी बताते हैं, ठीक है? कहते हैं स्पीक द ट्रुथ, सच बोलो. और नेगेटिव में हमें क्या करना है, सच बोलने में कभी असफल मत हो. वही चीज तो लानी है. फर्स्ट फॉर्म दी है, फेल लगा दिया हमने. डोंट फेल टू स्पीक द ट्रुथ, यानी सच बोलने में कभी असफल मत हो. क्लियर समझ में आ गया ये? ओके, चलिए ये वाली चीज समझ में आ गई भाई, राइट? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, अब है कि नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, राइट? नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव. अब जो रूल हमने आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में करने के लिए बताए थे, वही रूल आपको नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव में लग जाएंगे. नहीं समझ में आया, राइट? जैसे कोई भी सेंटेंस मान लीजिए इसमें लिखा होगा, आई डू नॉट फेल टू सी द ताज, यानी हम ताजमहल देखने में असफल नहीं हुए. मैंने बोला ना आपको कि एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव ये है, राइट? दोनों को प्लस करें तो क्या होगा, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, इसकी जगह पे इसको हटा के हमें केवल सेकेंड फॉर्म लानी है, यानी सॉ. आई सॉ द ताज. समझ में आ गया नहीं आया? वैसे आपने कहा, जैसे हमने आपको रूल लिखवाया था कि एडजेक्टिव वर्ड के पहले नॉट लगा के और उसका अपोजिट लिख दो. अब इसमें क्या होगा देखिए, जैसे आपको दिया है मैन इज नॉट, सॉरी, इमॉर्टल. ये नेगेटिव दिया है, मैन इज नॉट इमॉर्टल. हमें इसको क्या बनाना है, हमें इसको अफर्मेटिव बनाना है. तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो नॉट को हटाएंगे और इस शब्द का उल्टा लिखेंगे. क्या होगा, इमॉर्टल का उल्टा क्या होता है, मॉर्टल. बताओ भाई, कोई दिक्कत? तो सर जी वैसे होगा, ऐसे रिमूव टू कर देते हैं, ऐड टू कर देते हैं. हाँ, अब इसमें क्या होगा कि रिमूव टू मतलब ऐड टू करना होगा. दिया होगा अगर, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, She is so weak that she cannot walk. समझ में आ गया? तो इसमें हम क्या करते थे, ये चीज हमने अपने पास से लगाई थी इतनी, किसके स्थान पे, टू के स्थान पे, और इसके स्थान पे हमने क्या लिखा था, सो. ये भी खत्म और इतना ये बचा क्या,
शी इज टू वीक टू वॉक। तो बन जाएगा ये वाला। तो ये तो दोनों आप कर लीजिएगा, राइट। पहला था अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव और उसके बाद है नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव, राइट। ये आपके अभी जो एग्ज़ाम आपका ड्यू है CHSL का, उसमें भी आपके लिए ये बहुत सारे मिलेंगे, ओके। और स्टेनो का एग्ज़ाम है, CGL का है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं यू कैन फाइंड ऑल दीज थिंग्स। और उसको इसी तरीके से आपको बनाना है। और भी इससे टेढ़े मेढ़े जो कुछ चीज़ें और छिपी हुई होती हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगी, राइट। तो इफ़ यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स देन इजीली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, कि उसका आप रूप कैसे बदल सकते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।